हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसजी स्टडीज। टुडे वी आर कंटिन्यूइंग दैट चैप्टर, इट्स सेवन स्टैंडर्ड ईच चैप्टर, दैट इज एन आइडियल रूलर। इसमें हमने जो हमारा फर्स्ट पार्ट वन था वो हमने हमारे वीडियो सेक्शन में डाल दिया है। जैसे अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तभी आप जाकर वो वीडियो देख सकते हैं, तभी आपको ये जो हमारा जो भी जो हम डाल रहे वीडियो ये वाला जो हमारा पार्ट टू है वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप जाकर देख सकते हैं। हमने इस चैप्टर में पढ़ा था कि आइडियल रूलर क्या होता है। आइडियल मतलब हमने देखा कि मतलब जो शासक है वो किस तरह अपना शासन चलाता है, उसका उद्देश्य क्या था, सारी चीज़ें हमने या इसमें देखा था। और भी जो बहुत सारे ग्रेट डेंजर्स जो आए थे शिवाजी महाराज के लाइफ में, जिसको उन्होंने फेस किया, किस तरह ऑर्गेनाइजेशनल स्किल था, किस तरह जो इनके जो एसोसिएट्स थे इनकी रक्षा करते थे जब वो कोई भी मिशन के ऊपर जाते थे या फिर किसी से भी युद्ध करने जाते थे, तो इनकी जो एसोसिएट्स थे ये बहुत ही वफादार थे, जिसके कारण शिवाजी को सारी चीज़ों सारे जो उनके रूल्स थे जो उनका एडमिनिस्ट्रेशन था उसको चलाने में आसानी हुआ करती थी। और हमने ये भी पढ़ा कैरिंग्स ऑफ रॉयल, जब शेस्ता खान ने अटैक किया तो किस तरह सब लोग रोहिदा वैली के घाट के नीचे सब जाकर सारे लोगों को शिवाजी महाराज ने शिफ्ट करवाया, किसके मदद से, देशमुख की मदद से। और भी बहुत सारी चीज़ें हमने देखी पॉलिसी रिगार्डिंग आर्मी, यानी कि जो शिवाजी महाराज की जो आर्मी पॉलिसीज थी वो किस तरह थी भी हमने देखा, किस तरह वो अपने सोल्जर्स को कैश के हिसाब से पे करते थे उनका सैलरी। जैसे कि हम देखते थे पहले ज़माने में सब जागीर देते थे, पर शिवाजी महाराज ने नई फैसिलिटी लाई। कौन सी फैसिलिटी लाई? उन्होंने फैसिलिटी लाई कि हम इनको जो इनका मनी है उसको हम कैश में देंगे। और भी बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ा इसमें, इस चैप्टर में, जैसा कि था अ पॉलिसी ऑफ टॉलरेंस एंड इंस्पिरेशन फॉर फ्रीडम। अभी हम आगे देखेंगे ग्रेटनेस ऑफ महाराज हुआ, यानी महाराज के हुआ का क्या क्या ग्रेटनेस था, वो सारी चीज़ें अब हम पढ़ेंगे। महाराज स्टैब्लिश स्वराज, महाराज स्टैब्लिश स्वराज वाइल फाइटिंग अगेंस्ट मेनी एनिमीज। अब जो महाराज को मतलब कोई एकदम फ्री टाइम नहीं दिया गया था कि आप जाकर अपना जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको इस्टेब्लिश कीजिए। जब एनिमी वार करती थी उसी दौरान शिवाजी महाराज ने उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसको डेवलप किया, उसको बनाया। उनको कुछ फ्री टाइम नहीं मिला था कि हम पहले ये बनाएंगे, स्तंभ खड़ा करेंगे, उसको वहाँ से हम सामान लेके आएंगे फिर बनाएंगे, उनको ऐसा कुछ भी टाइम नहीं मिला था। जब एनिमीज उन पर वार करती थी उसके दौरान ही उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को चला डेवलप किया, एडमिनिस्ट्रेशन को बनाया, उसके दौरान ही उन्हें कुछ फ्री टाइम्स नहीं दिए गए थे। This action itself proved that he was a pioneer of a new era. अभी जो actions था उनको, उन्होंने जो जो कार्य किए किस जो उनके associates की मदद से, ये बहुत ही मतलब अद्भुत था। जो ये न्यू इरा की वो एकदम न्यू इरा आ गया था, क्योंकि सारी चीज़ें शिवाजी महाराज थे बहुत ही अच्छे से फॉलो हुआ करती थी। बट बिसाइड दिस एक्शन, और इसी एक्शंस के पीछे मैनी अदर नोबल क्वालिटीज आर फाउंड इन हिज पर्सनैलिटी। वो खाली एक रूलर ही नहीं थे, वो एक खाली एडमिनिस्ट्रेशन टेटर ही नहीं थे, बल्कि उनके अंदर बहुत ही कुछ नोबल क्वालिटीज थी, कुछ अच्छी क्वालिटीज़ थी। वो पढ़े लिखे थे, तलवारबाजी में थे, उनके अंदर जीजा माता का जो उनका संस्कार था वो भी पलवल रहा था। महाराज वॉज वेरी इंटेलिजेंट, महाराज बहुत ही बुद्धिमान थे, चतुर थे। ही हैड अ मास्टर मैनी आर्ट्स, उन्होंने बहुत सारे आर्ट्स का मास्टर किया। जैसे कि हम देखते हैं ना, आज कोई MBBS करता है, BA करता है, CA करता है, उसी तरह महाराज ने भी अपने आर्ट्स में मास्टर किया था। ही वॉज कन्वर्सेंट विद मैनी लैंग्वेजेस एंड स्क्रिप्ट। जो महाराज थे उनको बहुत सारे लैंग्वेजेस आया करती थी। वो कोई भी मतलब अगर कुछ मिशन था उनका, वहाँ पर अगर उनको कुछ भेस बनाना पड़ता है या फिर उन्हें कुछ गोरिल्ला टेक्निक्स का इस्तेमाल करना पड़ता है तो उन्हें स्क्रिप्ट्स भी करना पड़ता था, जिसमें भी वो बहुत ही संयम थे। द टीचिंग ऑफ हिज पेरेंट्स टूवर्ड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्वराज एंड एथिक्स वेर डीपली इंस्टिल इन हिज माइंड। जो उनके माता जो उनके पेरेंट्स थे, कौन, शाहजी राजे उनके पिता और उनकी माता जीजाबाई, उन्होंने उनको बहुत ही ज़्यादा संस्कार दिए। यहाँ पे लिखा ना टीचिंग्स ऑफ हिज पेरेंट्स, उनकी पूरी रग रग में बसा हुआ था, पूरा डीपली माइंड के डीपली में बसा हुआ था कि तुम अपने स्वराज को, आप कैसे एक राजा बन सकते हो, आप कैसे स्वराज को चला सकते हो। वो सारी चीज़ें शिवाजी महाराज को सिखाया गया था बचपन से ही, उनके माता जीजाबाई ने उन्हें सिखाया था। और हम ये भी जानते हैं कि उनके जो उन्हें शिक्षक उनके थे वो थे संत रामदास, संत
समर्थ रामदास जो थे वो भी उनको पढ़ाया करते थे उस समय। देर वॉज अ ब्लेंड ऑफ कैरेक्टर एंड स्ट्रेंथ नॉबिलिटी एंड वैलर इन हिज पर्सनैलिटी, यानी कि वो केवल एक राजा ही नहीं बल्कि वो मजबूत बोलते हैं एक उनका जो कैरेक्टर था बहुत ही एकदम प्रभावशाली था या फिर बहुत ही एकदम मजबूत था, स्ट्रेंथ था उनके अंदर, नॉबिलिटी उनके अंदर अच्छाई थी, उनका पर्सनैलिटी जो था वो बहुत ही अलग राजाओं से बहुत ही अलग था। He had innumerable qualities like leadership, management, foresight, political diplomacy, effective policy about regional and military administration, commitment to truth and justice, attitude of equality, visualization of the future activities, the skill of seeing his plan ventures through rising over the calamities without giving up, alertness, vigilance and so on। यानी कि जो शिवाजी महाराज थे उनको पहले से बहुत सारे संस्कार मिले थे जिसके कारण उनकी जो एक्टिविटीज हुआ करते स्वराज में वो बहुत ही अच्छे से कर पाते थे और उनके अंदर बहुत ही अच्छी क्वालिटीज थी, जैसे लीडरशिप था उनकी, किस तरह मैनेजमेंट करते हैं अपनी स्वराज की वो भी उनके अंदर था, फॉरसाइट उनके अंदर था, किस तरह अच्छे भी गुण उनके अंदर पाई जाती थी, पॉलिटिकल डिप्लोमेसी यानी जो उनके अंदर पॉलिटिकल मतलब किस तरह लोकतंत्र, किस तरह राज्य बढ़ रहा उससे कदम मिलाकर चलने की उनके अंदर भी खूबी थी, इफेक्टिव पॉलिसी अबाउट रीजनल, वो रीजनल मतलब उनका ये मानना था कि हम अगर हिंदू है तो हम हिंदू को फॉलो करेंगे, वो मुसलमान सिख ईसाई सबको फॉलो किया करते थे, सबके हिसाब से खुद का रोल बनाया करते थे। एंड मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन, जैसा हमने देखा नेवी उन्होंने बनाया था, उन्होंने जो वन जहाँ वन यानी जो फॉरेस्ट के जो आर्मी थे वो बनवाया था, नेवी जो सी फोर्स पे लगे थे, उस समय एयरफोर्स नहीं था, हम मान सकते हैं एयरफोर्स उस समय डेवलप नहीं हुआ था, पर उन्होंने सी और जो फॉरेस्ट या फिर जो कोस्ट लाइन होता है हमारे इंडिया का वहाँ पर अच्छे से पैरादाई लगा के रखी थी। उन्होंने कमिटमेंट टू ट्रूथ एंड जस्टिस, वो कमिटमेंट करते थे यानी उनका जो अगर उनके मुंह से कुछ भी अगर निकल जाता था तो उसको होना ही चाहिए, उसको होना ही चाहिए। और जो उनके एसोसिएट्स थे, जो उनके एसोसिएट जो जैसे बाला जो बाजी प्रभु देशपांडे, तानाजी मालुसारे, शिव कास्तव, ये सब बहुत इनके एसोसिएट्स थे जो सबको जस्टिस प्रोवाइड करने में मदद करते थे। एटीट्यूड ऑफ इक्वालिटी उनके अंदर था, विजुअलाइजेशन ऑफ फ्यूचर एक्टिविटी, अब उन्हें लगता था कि फ्यूचर में अगर कुछ हुआ तो उसके लिए भी कुछ सुविधा है, जैसे कि सेना हम पे हमला करने आ रही है तो हम जाके किला बनवाएंगे, ऐसा नहीं होता कि सेना के हमला करने से पहले हमें किला और भी बहुत सारी बंदूक गोला बारूद उसको बना के रखनी चाहिए, यानी कि उनको फ्यूचर एक्टिविटीज़ के बारे में पता हुआ करता था। द स्किल ऑफ हिज सीइंग प्लान वेंचर्स थ्रू राइजिंग ओवर द कैलामिटीज, अब उनका ऐसा नहीं माना था कि अगर कोई हम पे हमला करने आएगा तभी हम जाके सारी चीज़ें करेंगे, ऐसा उनका मानना नहीं था, वो पहले से विदाउट गिविंग अप वो अलर्ट रहते थे, अलर्टनेस विजिलेंस एंड सो ऑन। ही यूज टू पनिश दोज सबली हु वुड मिसबिहेव विद वुमेन, अब उनका यह भी मानना था कि वुमेन्स के साथ मिसबिहेव ना हो, उनके साथ बदतमीजी ना हो, मिसबिहेव यानी बदतमीजी उनके अंदर उनके साथ ना हो, इसके लिए उन्होंने सोल्जर्स को अलर्ट रखा था कि कहीं भी आप देखो तो उसे दरबार में पेश किया जाए उस इंसान को जो मिसबिहेव करता है वुमेन के साथ। ही यूज टू टेक केयर ऑफ ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी लाइक फार्मर्स, क्राफ्टमैन, सोल्जर्स, ट्रेडर्स, मर्चेंट एसेट्रा, यानी कि वो सारे लोगों के मर्चेंट जो हुआ करते थे, क्राफ्टमैन जो हुआ करते, सोल्जर्स, फार्मर्स, सबको एक नज़र से देखते थे, अगर किसी के पास कुछ सुविधा है, जैसे फार्मर के पास कुछ सुविधा नहीं है, उसे खेती करने में कुछ दिक्कत हो रही है, कुछ उनके पास सुविधाएं नहीं आ रही, तो शिवाजी महाराज उसको उपलब्ध करवाते थे, प्लव फील्ड जो सीड्स हुआ करते थे वो भी उनको दिया करते थे, अगर जो कोई गरीब है कोई जमींदार है जो उन पर कर्ज लाद रहा है तो उसे भी सबक सिखाया करते थे शिवाजी महाराज, सबको एक नज़र से देखते का कर, टेक केयर ऑफ ऑल सेक्शन, यहाँ पे लिखा है टेक केयर ऑफ ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी। ही यूज टू हार्बर द सेम रिस्पेक्ट फॉर पीपल ऑफ रिलीजियस डैट ही हैड फॉर पीपल ऑफ हिज ओन रिलीजन, यानी कि वो सबको एक नज़रिए से देखा करते थे, जिस अगर उनका रिलीजन को इतना सम्मान मिल रहा है, सारी चीज़ें पॉलिसीज मिल रही तो दूसरे रिलीजन्स को भी मिलेंगे विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। ही इवन स्टैब्लिश कहाँ पे हम इवन स्टैब्लिश फैमिली बॉन्ड्स विद हम, अब वो उनके बीच में फैमिली बॉन्ड्स यानी जो रहता है ना, अगर हम कभी कभी हमारे जो नेबर्स होते हैं उनके बीच में हमारे बीच में उनके बीच में फैमिली बॉन्ड्स बन जाता है, कुछ शेयरिंग करते हैं वो हमारे साथ कुछ शेयर करते हैं, उसी तरह का फैमिली बॉन्ड्स भी
फार्मर्स, क्राफ्टमैन और शिवाजी के बीच में बन गया था। ही ब्रॉट बैक इनटू स्वधर्म, वो वापस स्वधर्म में आ गए थे। यानी कि स्वधर्म पहले दुनिया से गायब ही हो गया था, पर शिवाजी महाराज के आने के बाद स्वधर्म वापस आया। स्वधर्म यानी एक धर्म होता है जिसमें खाली अच्छे धर्म हुआ करते हैं। देयर ओरिजिनल रिलीजन पर्सन हु हैड कन्वर्टेड टू अनदर रिलीजन थ्रू देयर वॉज अपोजिशन टू सच रिकन्वर्सेशन एट दैट टाइम। एट दैट टाइम देयर वॉज अपोजिशन ऑन रिलीजियस ग्राउंड्स टू क्रॉसिंग द सीज। यानी कि उस समय अगर कोई भी इंसान, जैसे अभी हिंदू है, उसको क्रिश्चियन बनाया जा रहा है, तो उसकी कुछ अपोजिशन हुआ करते थे, उसके कुछ अपोजिशन हुआ करते थे। तो शिवाजी महाराज ने उनको मनाई थी कि आप इनके अपोजिट, आप इनके अगेंस्ट क्यों है? अगर किसी भी चीज़ में कन्वर्ट हो रहे, चाहे हिंदू से मुस्लिम, मुस्लिम से या फिर क्रिश्चियन, किसी में भी कन्वर्ट हो रहे, तो आपको क्या दिक्कत हो रही है, आपको क्या दिक्कत हो रही है? ऐसा शिवाजी महाराज सबको बताया करते थे। क्योंकि अगर उनका है, वो उनका रिलीजन कुछ भी फॉलो करते तो फॉलो कर सकते हैं, हमने सारे रिलीजन को एक समान माना है। तो ऐसा शिवाजी महाराज ने सबको बताया। जो अगेंस्ट थे, किसके अगेंस्ट थे? रिकन्वर्सेशन के अगेंस्ट थे, रिकन्वर्ट नहीं हो सकते थे, ऐसा जो अगेंस्ट थे उनको समझाया। उन्होंने सीज का जो क्रॉसिंग था, अगर कोई बाहर से अंदर आ रहा है, कोई भी अगर एनिमी, देखते ना 2008 में कि 9 में हमारे इंडिया में ताजमहल के पास सी रूट से कुछ हमले हुए थे, उसी तरह उस समय भी हुआ करते थे। ही बिल्ड सी फोर्ट्स लाइक सिंधु दट एंड क्रिएटेड अ नेवी। अब उन्होंने वहाँ पर एक किला बनवा दिया कि कोई बाहर से कुछ एक्सकेवेशन ना हो, कोई हम पर हमला करने ना आए, इसलिए उन्होंने एक फोर्ट बना दिया। उस फोर्ट का क्या नाम था? सिंधुदुर्ग। क्या नाम था? सिंधुदुर्ग। और वहाँ पर उन्होंने नेवी खड़ी कर दी, नेवी खड़ी कर दी यानी नौसेना, नेवी यानी नौसेना, जो जैसे एयरफोर्स होता है उसी तरह नेवी भी होता है, जो हमारे देश की रक्षा करते हैं सी रूट पर। दिस मीन्स डैट ही हैड मेड प्रिपरेशन फॉर काउंटरिंग फॉरेन इन्वेशन टू केम फ्रॉम द सी। अब उन्होंने प्रिपरेशन पहले से करके रखी थी कि कोई इन्वेशन ना हो, फॉरेन इन्वेशन हमारे इंडिया में ना हो सी के माध्यम से। ही बिकेम द रूलर ऑफ स्वराज ऑफिशियली थ्रू हिज कोरोनेशन। अब वो स्वराज के एक क्या बन गए? रूलर यानी मतलब समझ लो वो बन गए बादशाह। क्या बन गए? बादशाह बन गए उनका जो स्वराज था। ही लेटर हैड अ सेकेंड कोरोनेशन फ्रॉम, उन्होंने एक बार कोरोनेशन पर करवाया, मतलब एक बार कोरोनेशन है राज्यभिषेक, उन्होंने एक बार अपना राज्यभिषेक कराया, फिर उसके बाद उन्होंने वापस अपना राज्यभिषेक करवाया एट डिफरेंट रिलीजियस पर्सपेक्टिव। यानी कि उन्हें लगता था कि हमने हिंदू के माध्यम से तो खुद का राज्यभिषेक कर लिया, पर जो मुस्लिम है, जो क्रिश्चियन है, उन्हें ऐसा तो नहीं लगता कि महाराज हमारे बीच में डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। तो शिवाजी महाराज ने सोचा कि मैं वापस अपना कोरोनेशन करवाऊंगा दूसरे रिलीजन के हिसाब से, जो दूसरे रिलीजन से उनके हिसाब से, ताकि उन्हें किसी भी तरीका का ठेस ना पहुँचे। ऑल दिस एक्शन शोज़ अ रिवोल्यूशनरी एस्पेक्ट्स इन द फील्ड ऑफ रिलीजन। और ये सारी चीज़ें बहुत ही रिवोल्यूशनरी हो गई थी उस समय, और जो रिलीजन का जो फील्ड था उसको शिवाजी महाराज ने एक्सेप्ट किया, उसको मान्य दिया। When there were threats of to स्वराज, जब स्वराज पे कुछ होता है ना, कुछ एनिमी का इन्वेशन होने वाला होता है, ही वुड फेस देम विदाउट हिज एसोसिएट। अब कोई अगर जरूरी है कि एसोसिएट्स रहेंगे तभी शिवाजी महाराज लड़ने जाएंगे, ऐसा नहीं होता। अगर राजा अकेला है तो वो जाकर लड़ सकता है उनके साथ। ड्यू टू दिस इवन हिज एसोसिएट्स वेयर रेडी टू सेक्रीफाइस देयर लाइफ फॉर स्वराज। और फिर अगर बाई चांस एसोसिएट्स शिवाजी के महाराज के पास नहीं है, तो अगर उस पर कोई हमला करना है तो शिवाजी महाराज अकेले भी लड़ा करते थे, और उनके जो एसोसिएट्स इतने अच्छे थे, उतने वफादार थे कि वो शिवाजी महाराज के लिए खुद का लाइफ जो होता ना, उनका जो जीवन, उसको सेक्रीफाइस, उसको बलिदान दे देते थे, उसको बलिदान दे दिया करते थे शिवाजी महाराज के कारण। क्योंकि उन्हें लगता कि जो कार्य हम नहीं कर सकते, वो शिवाजी महाराज हमारे फ्यूचर को कन्वर्ट कर सकते हैं, इसीलिए वो खुद का लाइफ का सेक्रीफाइस दे दिया करते थे शिवाजी महाराज के कारण। Of course, his greatness was not conferred to the quality of facing calamities bravely and fearlessly. अब जो शिवाजी महाराज थे, ऑफ कोर्स हम बोल सकते हैं कि जो शिवाजी महाराज थे वो बिना वो निडर थे और बहुत ही ब्रेव थे, जो इसके कारण वो निडर थे, इसलिए जो क्लैमिटीज जो आया करती थी, जो क्लैमिटीज आया करती थी उनसे फेसिंग कर सकते थे। ही वॉन्टेड टू हैव एथिकल क्वालिटेटिव बेस ऑफ द टू द स्वराज। उन्हें लगता था ये जो
अब हमें तो एसोसिएट्स और हमें सब अच्छे से कन्वर्सेशन हो गया, सब अच्छे से हो गया, तो उन्हें लगता कि अब हम जो हमारा स्वराज है उसके बारे में कुछ सोचते हैं, उसके बारे में कुछ सोचते हैं। दैट इज़ वाई ही वुड गेव द ऑर्डर। और फिर उन्होंने एक ऑर्डर दिया, क्या ऑर्डर दिया, इवन रिगार्डिंग मिनर इशू अलॉन्ग विद द इम्पॉर्टेंट वन द ऑर्डर दैट प्रोहिबिटेड सोल्जर फ्रॉम टेकिंग वेजिटेबल फ्रॉम द फील्ड्स ऑफ द पीजेंट बाय फोर्स इज एक्सेम्प्लेरी फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू द रिस्ट्रिक्शन ऑन द कटिंग ऑफ ट्रीज एंड फोर्स बाय हिम और नॉट वर्थी। अब शिवाजी महाराज को लगा, अभी हम आप इसको पढ़ सकते हैं, अब शिवा मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन करता हूँ इसको, हाँ, ताकि आपको ज़्यादा सोचना ना पड़े, बार आपके बाउंसर ना जाए, बोलते ना बाउंसर जाता है कुछ समझ में नहीं आता। तो अगर शिवाजी महाराज को ऐसा लगा कि हमने अपने अंदर जो स्वराज है बहुत सारी हमने डेवलपमेंट कर ली है, तो हमें कुछ सोचना चाहिए कि कुछ फ्यूचर में इसका कुछ नुकसान ना हो। तो शिवाजी महाराज सोचा कि जो सोल्जर्स हम देखते हैं बहुत सारे मूवीज़ में, हमने देखा है कि जो सोल्जर्स होते हैं ना, वो जो फार्मर्स या भी कुछ जो विलेजर्स होते हैं उनको परेशान करते हैं, उनसे वेजिटेबल्स मुफ्त में लेके आते हैं, छीन कर लेके आते हैं। तो शिवाजी महाराज ने उनके बीच में रेस्ट्रिक्शन लगाए, पहले कहा द ऑर्डर दैट प्रोहिबिटेड सोल्जर्स फ्रॉम टेकिंग वेजिटेबल्स फ्रॉम द फील्ड्स ऑफ द पीजेंट बाय फोर्स। फोर्स के साथ वो लेते हैं, उनका कुछ अधिकार नहीं होता उन पर, फिर भी वो छीन कर लेते हैं, तो उसके ऊपर भी पाबंदी लगाई गई। और उन्होंने ये भी बोला कि द रेस्ट्रिक्शन ऑफ कटिंग ऑन द कटिंग ऑफ ट्रीज एंड फोर्स बाय हिम आर ऑल्सो नॉट वर्थी। नॉट वर्थी यानी हम नॉट वर्थी मतलब उन्होंने उसके ऊपर पाबंदी लगा दी, उनके ऊपर पाबंदी लगा दी, और जो ट्रीज को कट करना उसके ऊपर भी पाबंदी लगा दी गई कि ट्रीज को कट नहीं करना, ट्रीज को और भी ज़्यादा ग्रो करना है। ही हैड ऑर्डर दैट गार्बेज ऑन द फॉर्स शुड बी बर्न एज इन द एलोटेड स्पेस विदाउट डंपिंग इट एल्सवेयर एंड वेजिटेबल शुड बी ग्रोन ऑन इट्स एज। अब शिवाजी महाराज ने सोचा कि अगर बाई चांस कुछ कचरा हो रहा है फॉरेस्ट में या फिर विलेज में, तो उसको ले जाकर कहीं ऐसे जगह पर बर्न करना है जो खेती हो, जहाँ एकदम खुला हो, वहाँ पर बर्न कर रहा है, और जो उसकी ऐश, यहाँ पे लिखा ना ऐश, ऐश मतलब होता है राख, क्या कहते हैं उसे, राख, राख जो निकलता है वो बहुत ही फर्टिलाइजर्स के टाइप हो जाता है। तो अगर ऐश जो होता है फर्टिलाइजर टाइप है, तो खेती में कुछ अच्छा होगा, कुछ प्रॉफिट मतलब होता है जब अगर उसके ऊपर कुछ फर्टिलाइजर पड़ जाएगा खेती में, तो उसमें जो प्रोडक्शन होता है वो बहुत ही ज़्यादा होने लगता है। तो शिवाजी महाराज ने ऐसा कह के रखा था। उस समय प्लास्टिक्स का यूज़ नहीं हुआ करता था, उस समय प्लास्टिक्स उतने भी निकले हुए नहीं थे, प्लास्टिक का यूज़ शायद होता था या फिर होता ही नहीं था उस समय। It becomes clear for this fact that he would pay close attention to the minutest details while establishing Swaraj. अब शिवाजी और इसके हिसाब से हमें पता चलता है, क्या पता चलता है कि शिवाजी महाराज का कितना अटेंशन था, कितना क्लोज अटेंशन था कि छोटे से छोटे पे लिखा ना minutest details while establishing Swaraj, यानी कि छोटे से छोटे चीज़ों पे भी वो ध्यान दिया करते थे स्वराज के एस्टैब्लिशमेंट के लिए। ही वॉज नॉट जस्ट अ वॉरियर, वो खाली एक वॉरियर नहीं थे, बट ऑल्सो अ स्कल्पचर हु क्रिएटेड अ न्यू इंडिपेंडेंट एथिकल एंड कल्चर सोसाइटी। वो एक स्कल्पचर भी थे, मतलब बोलते ना कोई भी एक इंसान है वो चित्र को इतना अच्छे से बना देता है कि उसमें कुछ त्रुटि दिखाई नहीं देती, उसी तरह शिवाजी महाराज ने भी जो स्वराज था उसको इतनी अच्छे से बना दी थी जो उसमें कुछ त्रुटि दिखने मिली ही नहीं। हिज ग्रेटनेस इज कॉन्फेरेंसिव, जो उनकी ग्रेटनेस थी वो बोलते हैं ना यूनिक है एकदम, उसको बोलते हैं कॉन्फेरेंसिव, एकदम यूनिक थी उनकी, अनोखा था एकदम उनका। कैनोटेल यहाँ पे लिखा, कैनोटेल आप इसको घर पे लिख सकते हैं या फिर हमें कमेंट बॉक्स में कुछ पूछ सकते हैं इसके बारे में। हाउ इज वेस्ट इन योर एरिया मैनेज, अब आपके एरिया में जो वेस्ट है जो कचरा है उसको मैनेज किस तरह किया जाता है। स्टेट नेम ऑफ मशीनरी दैट लुक आफ्टर वेस्ट मैनेजमेंट, अब ये भी मतलब जो मशीनरी कौन कौन से यूज़ होते हैं जो वेस्ट को हटाने के लिए, उसको रिप्रोडक्शन के लिए यूज़ होता है, इसके बारे में। इन आर नेशनल मूवमेंट महाराज वॉज द ग्रेट सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, जो महाराज थे वो एक ग्रेट सोर्स थे इंस्पिरेशन की। जैसे बोलता ना हिस्ट्री के सोर्स क्या होते हैं, मटेरियल सोर्स, रिटर्न सोर्स, ओरल सोर्स, उसी तरह जो इंस्पिरेशन जो सबके अंदर जो होते हैं ना एक अलग सा दमक लेके आता है सबके अंदर, सब जो सबको जागरूक करता है, वो भी उसके सोर्स कौन थे, शिवाजी महाराज उसके सोर्स थे। इन हिज स्ट्रगल फॉर इक्वालिटीज, उनके इक्वालिटी के स्ट्रगल में महात्मा ज्योतिराव फुले डिस्क्राइब इन हिज पॉवरा दैट ग्रेटनेस ऑफ शिवाजी महाराज। अब महात्मा ज्योतिराव फुले ने यहाँ पर एक पोवाड़ा है उसमें उन्होंने लिख के रखा कि शिवाजी महाराज ने किस तरह
किस तरह अपने कार्य किए, यहाँ पर लिखा हुआ आप पढ़ सकते हैं। तो शिवाजी महाराज ज्योतिराव फुले ने उनके कुछ अच्छे कार्य जिसको उन्होंने पोवाड़ा में कन्वर्ट करके लिखा है। और केवल महात्मा ज्योतिराव फुले ही नहीं बल्कि लोकमान्य तिलक ब्रोटा अबाउट नेशनल अवेकनिंग थ्रू द मीडियम ऑफ शिव जयंती सेलिब्रेशन, और जो शिव जयंती सेलिब्रेशन था वो भी किन्होंने शिवाजी महाराज ने चलाया था, शिवाजी जो सॉरी लोकमान्य तिलक ने जो शिव जयंती था उसका जो सेलिब्रेशन था वो कौन करता था, लोकमान्य तिलक जी चलाया करते थे। लाला लाजपत राय हैज़ रिटन अ बुक अबाउट द ग्रेटनेस ऑफ महाराज, जो लाला लाजपत राय थे उन्होंने महाराज के ग्रेटनेस के ऊपर बुक लिखा है। अ ग्रेट तमिल पोएम सुब्रमण्यम भारती हैज़ रिटन अ पोएम अबाउट द इमेजिनरी इंसिडेंट इन विच शिवाजी महाराज टॉक टू हिज एसोसिएट्स। अब जो सुब्रमण्यम भारती जो भारती थे तमिल के एक पोएट थे, उन्होंने क्या लिखा, जो इमेजिनरी, किसका इमेजिनरी, जो शिवाजी महाराज अपने एसोसिएट से बात किया करते थे अपने इस्टेब्लिशमेंट, जो उनका स्वराज के इस्टेब्लिशमेंट के बारे में जो एसोसिएट से बात करते थे उसका भी कुछ इमेजिनरी इंसिडेंट जो है सुब्रमण्यम भारती जी ने अपने एक पोएम में लिखा है, आप सर्च करके कहीं भी देख सकते हैं, या फिर कुछ आपके पास बुक होगा पुराने ज़माने का जो कुछ लिखा है उस पर तो आप उसमें भी ढूंढ सकते हैं। विश्व कवि रविन्द्रनाथ टैगोर, अब जो रविन्द्रनाथ टैगोर उन्हें विश्व कवि कहा जाता है यानी कि इंटरनेशनल कवि, रविन्द्रनाथ टैगोर हैज़ रिटन अ लॉन्ग पोएम ऑन महाराज, महाराज के ऊपर बहुत ही लॉन्ग पोएम लिख के रखा है। टैगोर सीज हिज एफर्ट्स टू फाउंड स्वराज एज एफर्ट्स फॉर रियलाइजिंग अ नोबल कॉज, यानी कि शिवाजी महाराज के जो नोबल कॉज या फिर कितने एफर्ट्स उन्होंने किया स्वराज के इस्टेब्लिशमेंट के लिए वो रविन्द्रनाथ टैगोर ने देखा था, ये मतलब उन्होंने देखा ऐसा, मतलब समझ सकते हैं हम। सर जादूनाथ सरकार हैज़ प्रेज हिज अचीवमेंट इन द बुक शिवा जी एंड हिज टाइम, अब जो जादूनाथ जो थे श्री सर जादूनाथ सरकार उन्होंने एक बुक लिखा, कौन सा बुक नाम था, शिवाजी एंड हिज टाइम, उसमें उनके अचीवमेंट के बारे में लिखा हुआ है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू हैज़ सेड महाराज डिड नॉट बिलोंग टू महाराष्ट्र अलोन, ही बिलोंग टू वॉल इंडियन नेशन, अब शिवाजी महाराज जो थे जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने शिवाजी महाराज के बारे में ये कहा कि शिवाजी महाराज केवल महाराष्ट्र के ही नहीं, उन्होंने महाराष्ट्र में राज किया, मतलब वो केवल महाराष्ट्र के ही नहीं बल्कि पूरे इंडियन नेशन के हैं, केवल उनके केवल शिवाजी के महाराज के ऊपर केवल मराठियों का अधिकार नहीं बल्कि पूरे इंडिया का अधिकार है। ही वॉज अ सिम्बल ऑफ मैनी वर्चेस, वो एक सिम्बल है कि एक अच्छा कार्य कर, मतलब किसी भी एक अच्छे कार्य का एक सिम्बल होता है, वो सिम्बल कौन थे, शिवाजी महाराज, मोर स्पेशली ऑफ लव ऑफ कंट्री। All Indian language have works that talk about him as an idol ruler and source of inscription. अब बहुत सारे जो पोइट्स थे कुछ बंगाली थे कुछ तमिल थे तो उन्होंने अपने अपने भाषा में भी उनके बारे में जिक्र किया है अपने अपने भाषा के बुक में। Future generations too will continue a look upon his work of Shivaji Maharaj of founding Swaraj and turning it into Surajya as a source of inscription as an idol. यानी कि शिवाजी महाराज का जो आगे की जनरेशन है वो उनके बारे में सोचे कि शिवाजी महाराज ने कैसे किया, किस तरह किया, ये सारी चीज़ें, जैसे कि हम आगे की जनरेशन है हम उनके बारे में पढ़ रहे हैं, तो वो जनरेशन कौन है, वो जनरेशन हम है, या फिर हमारे आगे आने वाली जनरेशन भी इनके बारे में पढ़ेगी, किनके बारे में, स्वराज के बारे में जो शिवाजी ने एस्टेब्लिश किया। स्वराज तो पहले था पर उसको सुराज्य में कन्वर्ट किया कि उन्होंने शिवाजी महाराज ने ड्यू टू हिज सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन जो उनके दूसरों के अंदर जागरूकता लाते थे। शिवाजी महाराज बहुत सारे ग्रेट नेशनल, जो शिवाजी महाराज थे वो पूरे इंडिया के नहीं पूरे वर्ल्ड के, मतलब इंडिया के एक नेशनल हीरो थे। कौन थे, नेशनल हीरो, जो ऐसे सलमान खान शाहरुख खान ये तो खाली मूवीज बनाते हैं ऐसा बड़े बड़े काम करने के बहुत सारे, तो जो शिवाजी महाराज है उन्होंने ऐसा मूवी ही नहीं बल्कि उन्होंने करके दिखाया। तो हमारे नेशनल हीरो कौन है, शिवाजी महाराज। आपको कैसा लगा ये वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। इफ एनी डाउट वॉज देयर देन प्लीज़ आस्क मी इन कमेंट बॉक्स। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।